अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? सबका ठीक ठाक है? तो आज हम लोग आए हैं जी बर्गर खाने, और बड़ा ही प्यारा मौसम, आज बारिश वाला मौसम है। देखें, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रोड पे बारिश है, और दो के यहाँ अमेरिका में अभी गर्मियों का मौसम होना चाहिए था, लेकिन अब अचानक ही बारिश हो रही है और सर्दियों का मौसम कन्वर्ट हो गया। लेकिन आज हम वैसे ही निकले थे कि कुछ खाने के लिए, तो हमने फिर डिसाइड किया कि आज हम एक हलाल बर्गर प्लेस है वर्जीनिया में, बर्गर 7 के नाम से, तो आज हम लोग वहाँ आए हैं और इनका बर्गर ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसा है। चलें फिर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो जी, ये है जी बर्गर की शॉप, और हम लोग आ गए हैं बर्गर बनाने। और ये बर्गर 7 के नाम से यहाँ पे जी है बर्गर वर्जीनिया में। आप लोग भी यहाँ आए, देखते हैं कि कैसा है। और ये हमारे साथ बिल्लू और बिल्लू की दादी अम्मा। भाई बिल्लू, बुरहान, मोहम्मद उरान। चलिए, मोहम्मद उरान को भूख लगी हुई है और ये बर्गर खाना चाहता है, तो इसलिए अब हम जा रहे हैं बर्गर खाने। चलें जी। ओके, ये लेने नहीं, वो लेना है, वो ले लें। ओके, तो जी ये हैं इनके बर्गर्स, डिफरेंट किस्म के। हमने एक बीफ, एक चिकन रोल सैंडविच जो है इनके बर्गर ऑर्डर किए हैं। देखते हैं इनका टेस्ट कैसा है। और ये साथ में फ्राइज हैं, डिफरेंट किस्म के फ्राइज़ अच्छी हैं, तो ट्राई करते हैं ये कैसा है। बिल्लू बैठा हुआ है, इसको पता लग गया बर्गर हमने ऑर्डर कर दिया, और बिल्लू जो है आप बर्गरों के चक्कर में बैठा हुआ टाड़ है कि वो बर्गर कैसे बना रहे हैं। और उसके बाद जो है हम फिर बर्गर खाएँगे। फुरहान, मोहम्मद उरान, बर्गर खाने, बर्गर खाने, हाथ नहीं खाना, बर्गर खाने, बर्गर। फुरहान, मोहम्मद उरान, बर्गर खाने, बर्गर खाने, नहीं। अच्छा चलो, अभी आता है फिर खाते हैं। चलो, मुंह में हाथ नहीं डालो, पीने। तो बाल लाले फेंक रहे, पीने। वाह, मज़े का लग रहे, मज़े का लग रहे। तो जी ये आ गए हमारे बर्गर, दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं। और ये साथ में सोडा, और ये क्या है, मोज़ेरेला फ्राई स्टिक्स, मोज़ेरेला स्टिक्स। और ये बीफ बर्गर है जो कि मज़े का लग रहा है देखने में। तो जी अभी हम लगे हैं खाने, तो फिर खाने के बाद बताएंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। क्या कैसा लगा बर्गर? बर्गर बहुत अच्छा था और बहुत मज़ा आया। अभी हमने एक और चिकन विंग्स ऑर्डर किए क्योंकि मेरी बीवी भूखी है, पेटू, और बीवी मेरी पेटू है, और उसका पेट एक बर्गर से नहीं भरा, और अब हम एक और बर्गर विंग्स मंगवाएंगे। और उरहान, और उरहान जो है, देखें उरहान बस कोक की गिलास में नज़र आके बैठा हुआ, भाई मुझे दें। अब असल में इसको खाने के फिंगर चिप्स खा रहे हैं जी, फिंगर चिप्स खा रहे हैं मोहम्मद रान, फिंगर चिप्स खा रहे हो। तो बस अभी हम कोक पी रहे हैं और साथ में हम वेट कर रहे हैं अपने चिकन विंग्स का। और ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस है, अच्छा एनवायरनमेंट है, मज़ा आ रहा है। हाँ तो जी ये आ गया हमारे विंग्स, लेकिन मज़े की बात यह है कि सिर्फ 4 पीसेज हैं इसमें, और ये थे $10 के। यहाँ पे आके इन्होंने थोड़ा सा मुझे मायूस कर दिया, क्योंकि जितने पैसे हैं उस क्वांटिटी की, मतलब क्वांटिटी बहुत कम है। एटलीस्ट ये मतलब 6-8 पीस होने चाहिए थे $10 के हिसाब से, लेकिन ये जस्ट 4 पीस थे। तो यहाँ पर जो है ना, ये थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन ओवरऑल सही था बर्गर, सही था। $7-$7 का बर्गर था, दूसरा बर्गर भी तकरीबन $6 का था, तो ओवरऑल अच्छा था, लेकिन ये जो है क्वांटिटी बहुत कम है। बहरहाल अब तो जो है वो है, अब हम खाएंगे और निकल लेंगे। तो जी हमने खा लिया है बर्गर,
और अभी हम जो है बाहर निकलने हैं। मोहम्मद रहान ने थोड़ा सा चक्कर, लेकिन जो है मोहम्मद रहान को अभी डॉक्टर ने मना किया कि अभी इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं खिलानी, लेकिन मोहम्मद रहान को लग जाती है भूख और फिर हम चीखे मारते हैं। हैं मोहम्मद, ओए मोहम्मद रहान देखो ये कौन है, ये कौन है, मज़ा आया है? हैं मज़ा आया खाना खा के? मज़ा आया हैं? कैसा लगा आपको, खुशबू आ रही थी बर्गर की? हैं मोहम्मद रहान मज़े, बर्गर की खुशबू आई थी? तो जी ओवरऑल अच्छा था, खाना ठीक था, लेकिन आखिर में जो विंग्स मंगवाए वो जितने पैसे उन्होंने चार्ज किए उस हिसाब से क्वांटिटी जो थी बहुत ही कम थी। तो बहरहाल ओवरऑल अच्छा है। तो अभी हम जा रहे हैं घर की तरफ, मोहम्मद रहान हमारे साथ है, ठीक है? तो जिस जिसने भी जहाँ पर आना है यहाँ पर आप आ जाएं। अब बर्गर सेवन के नाम से फॉल्स चर्च वर्जीनिया में ये है शॉप, और आप लोग भी आएँ बर्गर खाएँ और इन्जॉय करें। तो अभी हम जा रहे हैं घर, चलो मोहम्मद रहान बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, इनको सबको बाय बाय कर दो, चलो 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 चलो। तो जी अभी हमें थोड़ी सी करनी है शॉपिंग और हम जा रहे हैं होल फूड मार्केट, यहाँ से हम लोग कुछ चीज़ें लेंगे। और हमारे साथ मोहम्मद रहान है और हम घूमते फिरते जा रहे हैं, तो देखते हैं अभी यहाँ पे क्या ले लें हम लोग। वाओ, तो यहाँ पे हमें फ्लावर्स दिख रहे हैं काफ़ी सारे। वाओ, पाइन एप्पल्स भी पड़े हैं, ये देखिए। वाओ, कितने अच्छे अच्छे पौधे पड़े हुए हैं यहाँ पे। और ये देखिए मैंगोस, चेक करें भला ये खुशबू वाले हैं या फोक है। अच्छे लगते हैं वैसे, मैंगोस पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन अगर ये वो हों तो शायद अच्छे लगें। और ये पाइन एप्पल्स पड़े हुए हैं, और यहाँ पे ये तरबूज, अम्मी मैं सोच रहा था कि ये तरबूज भी लेके जाए। और ये देखें मज़े मज़े के फ्लावर्स, ये वाला, ये देखें जी। और प्राइस इसकी है जी $20 ऑलमोस्ट। मज़े मज़े के पौधे हैं जी, जिन जिन लोगों के अपने मतलब घर में जगह है आप लोग ले जा सकते हैं और वहाँ पे लगा सकते हैं। हम ये देखें पुदीना नहीं पड़ा हुआ, हाँ है ना, ये वो है मिंट है ना। तो ये मज़े मज़े के जो हैं ये कलर वहाँ पे, हाँ ये वहाँ पे पाकिस्तान में ये कलर हमने वाकई नहीं देखा, जंगल जलेबी। हाँ इसकी टहनियाँ लगती हैं। और ये वाले पौधे तो हमने वैसे देखे हैं वहाँ पे हमारे पास थे, है ना, ये पटोनिया लिली, वही ना। अच्छे अच्छे सारे पौधे हैं। वैसे अगर आपका गार्डन है तो आप लोग मतलब तो बना सकते हैं पूरे अपने बाग में लगाएं, अच्छा है। और ये यहाँ पे और भी पौधे लगे हैं, ये कौन सा है, ये भी उसकी है, क्या उसी का है ना, जलेबी की, हाँ जलेबी की किस्म है ना, सही है वैसे, अच्छा है। तो चलें चलते हैं हम अंदर जाके देखते हैं। ओके, हमारे पास अंगूर वगैरह पड़ा हुआ है, ये नाशपातियाँ पड़ी हैं सारी और अंगूर डिफरेंट नस्लों का, मिशमान की देखिए, वह तो हमारे पास पड़ा हुआ है ना, फ्रूट सारा पड़ा हुआ है, ऑर्गेनिक जूस। चिकन भी इधर पड़ा हुआ है लेकिन ये हराम है इसलिए हम नहीं ले सकते। ओए मार्जरीटा पड़ा हुआ है रेडी टू सर्व, अभी ये वो लेमन नहीं होता मिंट मार्जरीटा, वो जो हम बनाते हैं मार्गरीटा, हाँ वही है, लेकिन ये वो ये जो कल उन्होंने बनाया हुआ था उसमें होटल में एवोकाडो मज़े का था ये, इसका हम वैसे बना सकते हैं अगर लेके जाएँ तो, अगर हमने ट्राई करना है तो हम जाके बना सकते हैं, उसमें उसमें बोला था धनिया डाल के। तो ये हमारे पास है टमाटर, और ये हमारे पास है ये वो सारी वो बनी हुई सॉसेस चटनियाँ, भिंडी ओकरा भिंडी भी, हाँ वैसे हमने मैं कह रहा था ये देखिए इन्होंने ये देखिए सैलड बनाया हुआ उसका ना प्याज टमाटर काट के ना, ये शायद इन्होंने सिरके में डुबोया हो, और ये ऊपर भी वो ये मुझे लगता है ये वही बनी हुई हमने वो जो कल हमने खाई नहीं है, ये इन्होंने रेडीमेड बना के रखी हुई है, तो हम घर में बना सकते हैं।
अगर हम ले जाएं तो। और यहाँ पे जो वो, हाँ वो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे देखें, ये तरबूज जो वाटरमेलन है और साथ में खरबूजा वगैरह जितने भी फ्रूट्स हैं इन्होंने डब्बों में रखे हुए हैं, आप इनको सर्व कर सकते हैं। मतलब आपको काटने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ये लें और खाएं और अपने ऑफिस जाएं। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो लाइफ आसान है इस लिहाज से। और ये सैलड जो आपके वो बने हुए हैं, हाँ ये मुझे तो वही लग रहा है, लेकिन ये रेडीमेड है ना, ये सही बना। वैसे हम अगर ख़ुद बनाएं तो अपनी मिर्चों के हिसाब से बना सकते हैं। तो जी ये लगे हुए हैं टमाटर और क्या नहीं, ये वाले हम लोग, हाँ उसको छोड़े ये वाले ले, मैं तो कहता हूँ कि नहीं वो देखें वो टोकरी में, वो मतलब काउंट करें तो कम बन रहे हैं इसके हिसाब से, ये शायद डिपेंड करता है पता नहीं, लेकिन मुझे ये ऑर्गेनिक सही लग रहे हैं ले लें। प्याज वगैरह पड़े हुए हमारे पास, हाँ वो पेस्ट लेना है हमें। ये देखें केले बने हुए हैं वाह ये कुचलता हुआ केला आया। जिंदगी में केले ना हो तो जिंदगी बेरंग है ना विशिमान, क्या ख्याल है ना, जिंदगी में केले होने चाहिए ढेर सारे। ड्रैगन फ्रूट कहाँ है, वाह ये है जी ड्रैगन फ्रूट। ये पड़ी है क्या कहते हैं इसको, नाम बोल गया मुझे, एलोवेरा, और जिसको हम उर्दू में कहते हैं कोरगंदल। बस कौन सा केला, केला केला होता है मम्मी। ओ वाह ये क्या हसत कर करके जल के काला हो गया क्या बाकी से ज़्यादा इसको लगा मैं छोटा हूँ इसलिए शायद ये काला हो गया, लेकिन ये ना किसी और नस्ल का है वैसे। रेड बनाना, हाँ ये पूरा ही उतार ले मैं तो कहता हूँ। ठीक है ना चले फिर। अच्छा मैंगोज हमने वो वैसे देखने हैं कि ना वो हमें मिल जाएं। वाह तो देखा इस पर वो ऑटोमेटिक वो स्प्रे होना शुरू हो गया। अब आप देखें ये आपको चाहिए चिकंदर, अच्छा मैं कह रहा हूँ अगर हमने वो कढ़ाई बनानी है तो ये वाले प्याज ना ले लें, ये वाले हाँ ग्रीन ऑनियन जिसको हम कहते हैं उर्दू में भूखे हैं, कढ़ाई के लिए ले लेना एक ये वाली हो जाएंगे आप जब मैं आप क्या एक लिया पहले एक अलग ले लें कोई मसला नहीं। हाँ डिफरेंट नस्लों के मशरूम पड़े हुए अगर आप खाना चाहें तो, जिनको खुम्बिया बोलते हैं और ये मछली सच्ची बताऊँ कहीं खाए नहीं है। मैं बना दूंगी ना इनका, लेकिन लास्ट टाइम मैंने कहीं खाए थे उसमें वो स्मेल थी पता नहीं, अच्छी वाली खाई है बहुत अच्छी फ्राई। अगर आप बना सकती हैं तो फिर ले लेते हैं, हम लोग लोटे से। तो ये पड़ा हुआ गोश्त लेकिन सारे का सारा हराम है हम खा नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग जो हैं मोस्टली चिकन जो है हलाल शॉप से जाके लेते हैं। कभी आपको वहाँ का भी विज़िट कराएंगे कि हम कहाँ से लेते हैं चिकन वगैरह या कोई भी मीट लेना हो, लेकिन ओवरऑल या हम यहाँ से गोश्त नहीं ले सकते तो इसलिए। वाओ सेफ, क्या हुआ पॉपकॉर्न, ये इधर योगर्ट पड़ा हुआ है अगर लेना है तो दही। तो ये जी दूध, पाकिस्तान में वैसे हमें दूध मिलता है खुला, लेकिन यहाँ पर मोस्टली ये जो है फ्रेश दूध ऐसे ही होता है डब्बों में, हम यही लेके जाते हैं और इसी को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देख लें मिल्क फुल फैट होल मिल्क है ना,
कोशर का लगा हुआ है, ले लें। और ये हमारे साथ जा रहे हैं बिल्लू फरहान। ओए किधर आए हो, हैं बर्गर खा के अब लिफ्ट ही नहीं करा रहे? मोहम्मद दौरान फिंगर चिप्स खा रहे हो, हैं फिंगर चिप्स खा रहे हो। और ये है जी सबकी पसंदीदा स्पार्कलिंग वाटर, तो आप ले सकते हैं, वैसे काफ़ी सारी वैरायटी है लेकिन पीने वालों के लिए अच्छी जगह है। हम लोग यहाँ से चलते हैं। वाह ये देखें चीज़ का पूरा ढेर क्या, वाह। और ये जी हमारे पास पड़े हुए हैं ओलिव्स हर नस्ल के, नो हैंड्स प्लीज। हाँ ओबियसली हाथों से तो डालने से रहे तो, लेकिन ये है कि हर चीज़ जो उसके अंदर पड़ी हुई है ये वो वैसे नहीं ले रहे, ट्राई करना है देखें। ओके अच्छा यहाँ पर ये फ्रेश फूड भी पड़ा हुआ है, हाँ फ्रेश खाना पड़ा हुआ है, लेकिन हम ये हमारे लिए हलाल नहीं है, लेकिन है तो बड़ा टेस्टी लग रहा बना हुआ। लेकिन आप सब्ज़ी वगैरह खा सकते हैं, हाँ यहाँ पे ये देखें वेज ऑप्शन है अगर आप खाना चाहें। अच्छा ये वैसे हम होल फूड पे पहले आए नहीं है, लेकिन यहाँ पे मतलब वैरायटी काफ़ी है ना। और ये शौकीन लोगों के लिए घास फूस आप खा सकते हैं, और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हैं। बहरहाल क्योंकि हम खाना खा चुके हैं तो हम लोग जो हैं इसमें से कुछ भी नहीं लेने वाले हैं। कहाँ पे आगे आपने देखा था ना? ओके हाँ ये इधर घुस हैं, इधर पॉपकॉर्न की डिफरेंट वैरायटी पड़ी है। ये वाले तो वही पॉपकॉर्न है जो हम लेके भी आए हैं मैं एक दो दफ़ा, है ना। और रिड्यूस फैट सोडियम पॉपकॉर्न ये वाले देखें, ग्रीन ग्रीन वाले, हाँ देख लें इसमें से कौन से अच्छे हैं। और गन्ने तो अच्छी चीज़ नहीं, स्किनी पॉप है जो हम लेके आते हैं सीवीएस से, और ये ऊपर ग्रीन पॉप है, अब देख लें ये ऊपर ऑर्गेनिक वाले सही नहीं है, ये ऊपर जो पड़े हुए हैं ये वाले, हाँ ये तो सही है, मुझे सही लग रहे हैं ऑर्गेनिक है ना। हाँ आगे सारे में खाई के लिए तक खा, हाँ वैसे लेकिन सही है, चलो बंदा शुगर मेला लगा रहता है ना। ये देखिए ये लोग ये ले रहे होते हैं ना घर में, उसमें ओवन में आप खुद भी ये इनको कर सकते हैं फ्रेश, हाँ लेकिन आप उसमें फ्रेश बनाते हैं ना, फ्रेश बनाते हैं और ले लें तो बंदा बाद में जो है खा लेता है ना। वाओ ये अम्मा के आगे पॉपकॉर्न, मोहम्मद रान आपको भी पॉपकॉर्न चाहिए? ये खुद ही पॉपकॉर्न है तो मैंने मोहम्मद को वैसे ही खा जाना। मोहम्मद रान आप खुद ही पॉपकॉर्न है चौथे से, हैं चौथे से पॉपकॉर्न हो क्या? देखिए ये क्या है, ये क्या है, वाओ शैंपेन पीने वाले के लिए मौज है भाई। चलो भाई निकल लेते हैं, हाँ आप पीने वाले बने तो पिए जितनी मर्जी पिए हर चीज़। तो जी यहाँ पे हैं मोहम्मद रान, आपको क्या चाहिए? पिस्ते चाहिए खाने, पिस्ते चाहिए या नहीं, बलगल चाहिए आपको या फ्राइज खाने होते हैं बस? नहीं कोकोनट चिप्स चाहिए, ले लो कोकोनट चिप्स, हाँ ले लो खाने, अभी नहीं थोड़े थोड़े टाइम बाद जब डॉक्टर बोलेगा ना अभी खा लो ठीक है। यहाँ पे देखो इतनी सारी चॉकलेट्स भी पड़ी हुई हैं आलमंड वाली और कौन कौन सी चॉकलेट्स, लेकिन ये अच्छे बच्चे ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खाते, हाँ वाओ मामा दुरान जी मामा ने मुझे गिफ्ट दिया है, वाओ रहान साल्टेड आलमंड बटर जी, लेकिन सिर्फ पापा खाएंगे, आपको छोली से खा देंगे। ये सॉल्टेड सही नहीं है ना,
कुछ और बना ले। बस हमारे पास वो चॉकलेट का पैकेट पूरा फ्रिज में पड़ा। चलें जी, हमने कर लिया जी शॉपिंग, जो कुछ हमें चाहिए था वो हमने ले लिया हुआ है। मौसम बहुत ही प्यारा है, देखें बादल हैं और बारिश हुई है, उसके बाद ज़रा मौसम बादल छट रहे हैं, लेकिन मौसम ऐसे बड़ा ही खुशगवार किस्म का। तो अभी हम जा रहे हैं घर, और घर जाके हम खाना बनाएंगे रात के लिए। और आज मेरा प्लान है कि आज के दिन हम कल एक फॉर्म पे गए थे, वहाँ पे हमारा हम वहाँ से ऑर्गेनिक चिकन ले गए थे, तो आज मैं सोचूं कि पिशावरी चिकन बनाऊंगा। तो अभी घर पहुँचेंगे तो फ़िलहाल भूख तो नहीं है, लेकिन घर जाके हम लोग जो है ना ऑर्गेनिक चिकन मैं बनाऊंगा ख़ुद, और फिर हम लोग खाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि अब जो हैं मैं पहुँचने वाला हूँ तकरीबन गाड़ी के पास। हम अपनी जो हैं चीज़ें अंदर रख लेते हैं। ये बहरहाल मैंने शूज़ लिए थे, तो बहर चलें अभी चलते हैं। और बिल्लू और मामा किधर चली गई? बिल्लू की मामा वो पीछे आ रही हैं, बिल्लू की मामा और बिल्लू, और हम बैठते हैं गाड़ी में और घर की तरफ जाएंगे, और फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर बाद, क्योंकि अभी हमने जाना है घर। तो मैं करूँगा ड्राइव, और मैं ड्राइव करूँगा तो वीडियो नहीं बन सकती, उसके बाद ही आपको बताएंगे कि कढ़ाई जब मैं बनानी स्टार्ट करूँगा तो आपको दिखाऊँगा कि कैसे बना रहा हूँ, तो फिर आपको टेस्ट करके वो भी बताऊँगा कि कैसा बना। तो ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। बर्गर खाया था, मजा आया था बर्गर खा के, मजा आया था बर्गर खा के। आपको नहीं देती मामा बर्गर है? उधर जाके थोड़ा सा बर्गर चखाया था आपको, है ना? नहीं दिया था ना? चलिए हम अभी जाएंगे ना, अगली बार आपको बर्गर देंगे, ठीक है? ठीक है, बर्गर आपको खिलाएंगे, ठीक है? हाँ, प्यारा बेटा है ना जी। प्यारा बेटा है ना? हाँ मामा, मामा को आवाज दो भी, मामा मुझे बर्गर खिलाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं बकरे से शाम हो रही है, फिर 6:30 पौने 7 हो रहे हैं रात के,
तो हम घर खैरियत से पहुंच गए थे। तो अभी हम लोग जो हैं कुछ नहीं, बाकी सब रेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आज मैं पिछाड़ी कढ़ी बनाऊंगा, क्योंकि मैंने कल हम फार्म पे गए थे, वहाँ से मैंने ऑर्गेनिक चिकन लिया था। तो मैंने कहा मैं इसको मैं बनाऊंगा इस वक्त। तो ये देखें चिकन जो है वो रेडी हो रहा है। तो अभी बस चिकन वगैरह बनाऊँगा, फिर हम खाना वगैरह खाएँगे। बस सो फार यही हो रहा है। तो फार्म वाले ने बोला था कि ये चिकन जो है ऑर्गेनिक है, तो इसमें ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा गलने में। तो बस अभी उसी को मैं बना रहा हूँ एज ए पिशावरी कढ़ाई, मतलब इसको मैं ट्राई करूँगा जैसे वो पठान बनाते हैं, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा नमक मिर्च नहीं डालूँगा, टमाटरों में बनाऊँगा, प्याज वगैरह नहीं डलते इसमें। तो देखते हैं कैसी बनती है। क्या तो मैंने दिया था कि मैं बनाऊँगा, पता नहीं कैसी बनती है। बहरहाल अभी मैं बना रहा हूँ, तो ये जब थोड़ी रेडी होती है तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि मैंने बनाया क्या है, फिर टेस्ट करके बताऊँगा कि बनी कैसी है। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक आप जो कर रहे हैं ठीक है, मैं आया वापस बस थोड़ी सी देर में। किसी को कल ये खाना ठीक है, वैसे नॉर्मल ऑर्गेनिक धनिया है, सही देसी वाला, और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है इसकी। ओह हो, मैं कहता हूँ क्या बात है, जो घर में चीज़ बनती है ना उसका कोई वो नहीं है। बाज़ार से आप जो मर्ज़ी खा लो, दुकान से दो मर्ज़ी बाय से, घर में जो चीज़ बनती है ना उसका। अब इसमें मैंने देसी घी डाला है तो उसकी खुशबू जो है ना मुझे आई जा रही है, और अब ये ऑलमोस्ट हो गया रेडी। अभी बस रोटी वगैरह पकाएंगे और उसके बाद जो है हम इसको खा लेंगे। तो बड़ी सिंपल सी रेसिपी थी लेकिन बहुत मज़े की है भाई। ओवरऑल मतलब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई बनी है, बग़ैर मिर्च मसालों के, ज़्यादा चीज़ें नहीं डाली, नमक, काली मिर्चें, सब्ज़ मिर्चें, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, सब्ज़ धनिया जो होता है कुटा हुआ, और आखिर में मैंने बस ये थोड़ा सा ये डाला है। अब ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं है, टमाटर हैं, ज़्यादा कोई चीज़ें मैंने नहीं डाली इसमें, बड़ी बेहतरीन सी है। तो अभी हम ये खाएंगे, और अभी शाम हो रही है तकरीबन, अभी देखिए मगरब का टाइम हो चुका है, बाहर सन्नाटा है, क्योंकि आज जो है संडे का दिन है, और पता है संडे को जो है ना सबको मुरली पड़ी होती है, क्योंकि मंडे को सबने काम पे जाना होता है। तो बहरहाल ये था हमारा आज का पूरा दिन। तो अब हम खाएंगे कढ़ाई, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और नया दिखाऊंगा, कुछ अलग यहाँ के बारे में, कहीं भी हम अगर कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ ज़रूरी चीज़ें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।